हेलो, गुड मॉर्निंग। और मैं हूँ इस टाइम वर्सोवा में, और अब आप देख रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। आज व्लॉग नहीं बनाया मैंने, तो मैं जा रहा हूँ आज क्राकाओ, जो अभी मेरी एक घंटे बाद की ट्रेन है, और जिस हॉस्टल में मैं रुका था उससे लगभग 2 से 3 किलोमीटर के बाद ये स्टेशन है। और आज एक प्रॉब्लम हो गई थी, मेरा सिम कार्ड नहीं चल रहा था। यहाँ पे वोडाफोन नहीं है क्योंकि मैं रोमिंग में था, तो रोमिंग की वजह से यहाँ पे सिम कार्ड नहीं चल रहा था, मतलब उसका डाटा प्लान ख़त्म हो गया था। और यहाँ रिचार्ज भी, तो मैंने नया सिम ले लिया है, नया सिम दोबारा से मुझे 800 रुपये का पड़ा है। कोई नहीं, अब मेरा नेट चल रहा है। और मेरी ट्रेन है एक घंटे बाद की, प्लेट नंबर 4 से, और क्राकाओ जाऊँगा। क्राकाओ मैं एक दो दिन रुकूँगा, उसके बाद 2 दिन रुकने के बाद मैं एक नई कंट्री जा रहा हूँ जिसका नाम है हंगरी। वहाँ पे जा रहा हूँ बुडापेस्ट में, और उसके बाद मैं जाऊँगा ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स के बाद मैं लास्ट जो मेरी डेस्टिनेशन होगी वो होगी एम्स्टरडेम, और एम्स्टरडेम से मैं डायरेक्ट फ्लाइट लेके इंडिया आ रहा हूँ। तो चलो आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना, हर वीडियो में बोल रहा हूँ अब मैं, नहीं तो फिर आगे मैं वीडियो नहीं बनाया करूँगा। तो ठीक है, चलो चलते हैं। तो मैं कुछ आपको ट्रैवल टिप्स दे देता हूँ, अगर जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो बता रहा हूँ। वो ट्रैवलर के साथ क्या है क्या नहीं है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताऊँगा कि अगर आप कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हैं और आप सोलो ट्रिप या दो जने या जैसे भी आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपका कोई प्लान नहीं है कहीं जाने का, कोई आपने पैकेज नहीं लिया है, तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो आपका बैकपैक होना चाहिए, जो पीछे टंगता है बैकपैक, वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। डीकैथलॉन में अच्छे मिलते हैं, लेकिन डीकैथलॉन में तो खैर 1000-1200 से भी स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन उसमें जो 5000 रुपये तक का आसपास का है वो सबसे अच्छा हैंड बैग है, सॉरी बैकपैक है। और अगर आप थोड़ा सा उससे ऊपर रेंज में चले जाए तो 7-8000-9000 रुपये के भी वहाँ पे बैकपैक है। लेकिन बैकपैक में जरा सी भी कंजूसी मत करिए, अच्छा लेके चलिए, वो आपके साथ रहने वाला है, हर ट्रैवल में आपके साथ काम आएगा। ये मत सोचिए कि एक बार यूज़ किया और फिर तो घर पे रख देंगे, ऐसा नहीं होता है। वो जो हल्के होते हैं फिर वो हल्के ही होते हैं, वो एक कहावत है ना, गुड थिंग इज़ नॉट चीप एंड चीप थिंग इज़ नॉट गुड। तो सस्ता माल कभी अच्छा नहीं होता और अच्छी चीज़ कभी सस्ती नहीं होती। तो हैंड बैकपैक आपके पास अच्छा होना चाहिए, और उसके अलावा एक आगे छोटा सा बैकपैक और रखिए जो आप आगे टांग सकें, और एक पीछे, दो आप कैरी करके चलिए। दूसरी बात, आप किसी भी कंट्री में जाएं सबसे पहले वहाँ का सिम ले लें, और सिम लेके आप, क्योंकि आपके पास जो है हर समय आपको डाटा चाहिए, आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, किसी भी नई कंट्री में जा रहे हैं, आपके पास डाटा होना चाहिए हमेशा, इंटरनेट आपके पास हमेशा होना चाहिए, नहीं तो आप कहीं भी ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी, ना आप ट्रेन में ट्रैवल कर पाएंगे। हाँ, अगर आप पैकेज में जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं, फिर आप कि ठीक है एयरपोर्ट से बाहर निकला, टैक्सी वाले को पकड़ा और उसे बोल दिया है कि भाई इस होटल छोड़ देना, वो आपसे उस होटल में छोड़ देगा, होटल वाले को बोल दिया टैक्सी में हमें पूरा सिटी टूर करवा दे, हमें ये करवा दे वो करवा दे, और 5-7 दिन में घर आ गए, वो तो एक ठीक है। और अगर आपको जो है किसी भी कंट्री में जा रहे हैं वहाँ को उस चीज़ को एक्सप्लोर करना है, कि आप रोड पर चल रहे हैं तो रोड को एक्सप्लोर करें, वहाँ के लोगों का कल्चर देखें, अगर ये सब चीज़ें करनी है तो आपके पास नेटवर्क होना चाहिए हर समय, इंटरनेट की आपको बहुत ज़रूरत है। तो दो चीज़ ये हो गई जो सबसे खास चीज़ है। तीसरी चीज़, जब भी आप कभी ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं कि आपको खूब घूमना है, तो आपके पास एक अच्छे स्पोर्ट शूज़ होने चाहिए, मेमोरी फोम वाले अच्छे, जिसमें आप खूब ज़्यादा वॉक कर सकें। तो ये चीज़ हो गई। दूसरी बात, सामान ज़्यादा ना लेके चलें, अपना खाना खाना ज़रूर लेके चलें, जो भी आप कहीं भी जा रहे हैं। खाने के लिए आप अपने बिस्किट्स रख लें, जैसे मैरी गोल्ड वगैरह फैट फ्री बिस्कुट होते हैं, कुछ मसाला ऑट्स वगैरह के छोटे पैकेट डाल लें, फ्रूट्स वगैरह सब जगह मिल ही जाते हैं, तो ये चीज़ें ज़रूर रखें। और बाकी अपने कपड़े थोड़े से रखें, मैं ज़्यादा कपड़े लेके नहीं चलता हूँ, मैं 3 शॉर्ट्स एक पहनता हूँ, 2 शॉर्ट्स मेरे इसमें रहते हैं, और टी शर्ट मेरे पास जो मैं लेके आया हूँ, मैं 6 व्हाइट टी शर्ट लेके आया हूँ, और 2 टी शर्ट नॉर्मल, मतलब 8 टी शर्ट हैं, इतनी सी टी शर्ट है केवल, वो ज़्यादा जगह नहीं लेती, और 2-3 सेंट है, मतलब टोटल इतना बंडल मान लो कि टी शर्ट्स का इतना है, और 1 शॉर्ट्स पहना हुआ है, 2 शॉर्ट बैग में, और 3 अंडर गारमेंट्स है बस, इससे ज़्यादा और मैं कुछ लेके नहीं चलता। मेरा खाने का सामान ये इसमें जो है,
और खाने के लिए मैं वेजिटेरियन हूँ, इसलिए मैं अपना खाना कैरी करता हूँ। और खाना यार, अगर मेरे पास खाना है ना तो मैं कहाँ इधर उधर भटकूँगा यार, इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ रहा हूँ, ये ढूंढ रहा हूँ। मेरे पहले के ट्रिप्स में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, तो ये अब मेरा यूरोप का ट्रिप है, आप यकीन मानिए। चलते हुए कम से कम मुझे अभी टर्की भी गया था मैं, 8-9 दिन हो चुके हैं मुझे, 8-9 दिन में शायद मेरे सब चीज़ों में बाहर अगर 1,000 रुपये लगे हों, मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि मैंने बाहर से कुछ अगर प्याज टमाटर वगैरह कुछ ये ख़रीदा है या कोई फ्रूट्स खरीदे होंगे तो 1,000 रुपये लगे हैं यार मेरे, इससे ज़्यादा और नहीं लगे अभी कुछ खाने में। ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम ये है कि मैं अभी तक ट्रेन में बस में ही सफ़र कर रहा हूँ, तो ट्रांसपोर्टेशन में मेरा कोई मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मतलब खर्चे नहीं हो रहे हैं। नॉर्मल से अगर मैं इन 10 दिन में मानूँ तो मेरे कुछ 5-7 हज़ार रुपये लगे होंगे, 5,000 मान लो सारे ट्रांसपोर्टेशन में, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन तो यूरोप में बहुत ही सस्ता है। अगर आप हाँ एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे हो फिर तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, क्योंकि लंबी जर्नी भी होती है। तो खैर, मैं तो हम ट्रैवल ट्रिप्स पर बात कर रहे थे कि क्या क्या रखना चाहिए, तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, अच्छे शूज़ होने चाहिए, बैकपैक होना चाहिए, इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए अगर ये। और हाँ, एक सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरी बहुत हेल्प करती है हर कंट्री में, मैंने ये नियो का ग्लोबल कार्ड है, ये फ्री में आ जाता है, आप अप्लाई कीजिए फ्री में आ जाएगा। ये इतना हेल्प कर रहा है ना मेरा, इससे कोई भी फालतू मेरे चार्ज नहीं कट रहे हैं। एक मतलब मैं कहीं भी इसे टैप करता हूँ, ऑनलाइन पैसे पेमेंट कर रहा हूँ तो सिर्फ मेरे 2 रुपये चार्ज कट रहे हैं, इसके अलावा मेरा कोई भी चार्ज नहीं कट रहा है। और जो एक्सचेंज मतलब करेंसी जो एक्सचेंज हो रही है वो सिर्फ जो ऑनलाइन रेट आ रहा है उसी पे हो रही है, तो आपको ज़रूरत नहीं है कुछ भी। आपको किसी भी कंट्री में जा रहे हो तो घर वहाँ से आप इंडिया से आ रहे हो तो पहले आप उसे USD में कन्वर्ट करवाएं या यूरो में कन्वर्ट करवाएं अपने इंडियन करेंसी को, और यहाँ पे आके फिर इनकी करेंसी में कन्वर्ट करवाएं, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपको करना ही है तो 200 यूरो अगर यूरोप आ रहे हैं या और किसी कंट्री जा रहे हैं तो 100-150-200 USD एमरजेंसी के लिए रख लीजिए, बाकी और कोई नीड नहीं है। मैं अपने सारे टिकट्स, होटल, मतलब छोटी से छोटी अगर मैं कहीं वाटर बॉटल भी ले रहा हूँ तो मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। मैंने कोई सिम कार्ड लिया कुछ भी लिया अभी तक, मतलब मैं जितने भी लाया था अभी तक, आप मानिए कि मेरे इन 8-10 दिन में कैश में शायद मेरे कुछ 70-80 यूरोस ख़त्म हुए होंगे, आप 100 मान लीजिए, हुए नहीं है 100% मेरे पास बचे हुए हैं, और मैं यूरोस लेके आया हूँ और भी, लेकिन मैं सब कुछ इसी कार्ड से पेमेंट कर रहा हूँ। ये मेरे अकाउंट से लिंक है और बहुत बढ़िया कार्ड है, तो ये ज़रूर बनवा लीजिए, नियो ग्लोबल क्रेडिट कार्ड, ये आप अप्लाई करेंगे फ्री है, 3-4 दिन में घर पे बन के आपके आ जाएगा। तो बस यही है। और अब मैं जा रहा हूँ क्राकाओ, और क्राकाओ मैं रुकने वाला हूँ, आपको बताया था मैंने, उसके बाद एक नई कंट्री एक्सप्लोर करेंगे, फिर वहाँ पे आपको दिखाता हूँ। कल रात की पार्टी आपने देखी ली थी, मैं उसमें था पब क्राउल की पार्टी में, ठीक थी वो, कोई खास नहीं थी, लेकिन हाँ परसों वाली पार्टी तो अमेजिंग थी। खैर, मुझे पोलैंड बहुत अच्छा लगा है, पोलैंड में दोबारा आऊँगा। चलो, मैं पहुँच गया क्राकाओ, और जैसे ही मैं पहुँचा हूँ बाहर निकलते ही मॉल है, और बहुत ही अच्छा मॉल है, तो मुझे यहाँ से अभी एक रनिंग शूज़ लेने हैं, तो मैं इस मॉल से एक रनिंग शूज़ लूँगा, क्योंकि इन शूज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है जो मेरे पास है, और गंदे भी काफ़ी हो गए हैं, तो हॉस्टल मैंने बुक कर लिया है। क्राकाओ आगे बड़ा अच्छा लग रहा है यार, बड़ा मतलब एक अलग ही माहौल है यहाँ का, लेकिन ठंड बहुत है, सब ने जैकेट्स पहन रखी है, और मैं शॉर्ट्स में और टी शर्ट में, मुझे पता नहीं था। ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है, अभी एक जैकेट ख़रीदता हूँ या कुछ स्वेट शर्ट ख़रीदता हूँ। बहुत ही प्यारी जगह है, हॉस्टल मेरा वो सामने ही है, बस यहीं पे दिखा रहा है 200 मीटर। तो ये हॉस्टल है और नीचे ही इसके मार्ट है, चलो चलते हैं ऊपर हॉस्टल में। क्राकाओ बिल्कुल मतलब ओल्ड टाउन की तरह है, मतलब यहाँ की जो रोडें बड़ी प्यारी सी लग रही हैं यार, बहुत प्यारी जगह है। पोलैंड आ गया तो सच में मुझे बहुत अच्छा लगा, मज़ा आ गया यार पोलैंड, मैं दोबारा आऊँगा पोलैंड, जब भी मैं यूरोप आऊँगा तो पोलैंड तो मुझे आना ही आना है। आप भी अगर यूरोप ट्रैवल कर रहे हैं
तो एक बार क्रकाओ जरूर आए। क्रकाओ क्या, पोलैंड एक बार एक्सप्लोर करें, यहाँ के लोग भी अच्छे हैं और यहाँ का माहौल भी अच्छा है, वेदर भी अच्छा है। अभी देखो क्रकाओ में ठंड है, मुझे एक ये स्वेट शर्ट लेना पड़ गया। और ये है हॉस्टल, हॉस्टल भी काफ़ी अच्छा है। आज यहाँ पे भी एक पार्टी है, अभी सब ऊपर सब डिनर कर रहे थे तो मेरा डिनर इंक्लूड है इसमें, लेकिन मैंने किया नहीं है क्योंकि वही सेम प्रॉब्लम नॉन वेजिटेरियन की। तो खैर मेरे पास अपना खाना है, लेकिन इस होटल में किचन नहीं है, खुद कुक नहीं कर सकते, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास कुछ ऐसा है जिसे मैं आराम से खा सकता हूँ। तो ये चल रही है पब क्राउल की पार्टी, लेकिन आज मैं यहाँ नहीं करने वाला हूँ क्योंकि दो तीन बार से कर जाऊँ मैं बोरिंग हो रहा हूँ इसमें, तो इस बार आपको बोर नहीं करूँगा, कल भी मैं बहुत बोर हो गया था। पार्टी होती है यहाँ पे क्रकाओ में मंडे वाले दिन। She looks like sir. Brazilian. What's your name? Renigo. Renigo. तो आज मेरे साथ है रेमिगो, ये है मैक्सिको से, ही इज फ्रॉम मैक्सिको, मैक्सिकन। देखा ट्रेवलर्स को जो है कहीं भी दोस्त मिल जाते हैं, हर जगह आओ पार्टी इंजॉय करो, नाइट लाइफ इंजॉय करो, डे टाइम घूमो, दोस्तों के साथ घूमो, मस्ती करो, मौज मस्ती करो। से गुड बाय, से गुड बाय, बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट, चाओ, अडियोस, चाओ चाओ। क्रकाओ में यार बहुत मज़ा आ रहा है, सच में बहुत मज़ा आ रहा है। ठंड हो रही है लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छी फील आ रही है यार यहाँ पे आके। सच में यहाँ की पार्टीज़ बहुत इमेजिंग है, मतलब आज तो खैर मंडे है, आज तो कोई अच्छी सी पार्टी नहीं हो रही है, लेकिन सैटरडे संडे बहुत अच्छी पार्टी होती है। और ये जो टाउन है ना, एक अल्टीमेट ही फील कर रहा है ये, तो मुझे मज़ा आ गया यहाँ पे आके। डेफिनेटली मैं क्रकाओ दोबारा आऊँगा, मेरे पास एक छोटा सा ट्रिप है, ज़्यादा टाइम नहीं है, तो इसलिए मुझे जल्दी जल्दी सिटी कवर करनी पड़ रही है और बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है। एक मतलब मैं बिल्कुल भी रुक नहीं रहा हूँ, अपने आगे पीछे 25 किलो के बैग लेके मैं कभी वॉक कर रहा हूँ, कभी बस में, कभी ट्रेन में, सिर्फ एक्सप्लोर कर रहा हूँ, रिलैक्स नहीं कर पा रहा हूँ जिस दिन से मैं आया हूँ। तो अब ये आप देख लो कि आपको एक्सप्लोर करने आ रहे हो या रिलैक्स करने आ रहे हो। दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं ट्रैवलर, एक होते हैं टूरिस्ट। तो टूरिस्ट बन के आना है तो 5-स्टार होटल में रुकना है, 5-7 दिन के लिए आना है, एक पैकेज बनवा के आना है। और ट्रैवलर हो तो जैसे मैं घूम रहा हूँ रोड पर, वॉक करते हुए घूमना है आपको, हर चीज़ को उनकी रोड देखो, उनके मैं बोल रहा हूँ चाहे उनके शोरूम हो, आपको चाहे कुछ भी चीज़ हो, वहाँ के लोग हों, उनके कल्चर को एंजॉय करना है, तो आपको जो है एक ट्रैवलर की तरह आना होगा, टूरिस्ट की तरह नहीं, अगर उनके कल्चर को एंजॉय करना। अगर सिर्फ आपको जो है एक साइट सीइंग देखना है, एक पैकेज बना के दे दिया 2-2.5 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का, उसमें आपको जो है बस में लेके जाएंगे, सिटी टूर करवाएंगे, कुछ शेर हाथी दिखा देंगे और कई बार पैराग्लाइडिंग करवा देंगे, बस यही सब तो होता है। और साइट सीन टूर में क्या होगा, पेरिस जाओगे आपको क्या दिखाएंगे, एफिल टावर दिखा देंगे, 2-3 साइट सीन टूर दिखा देंगे, सिटी टूर दिखा देंगे, यही होगा ना। मैं सच में अगर फ्रांस जाऊंगा तो कभी भी शायद ही मैं एफिल टावर पे जाऊं, तो क्या करना है, मैं और आसपास की सिटीज़ कवर करूँगा। तो खैर इस बात को नहीं अभी करते हैं, कल मैं कहीं और जाने का प्लान कर रहा हूँ, हो सकता है परसों जाऊँ या कल जाऊँ, कल ट्यूसडे है तो हो सकता है मैं कल 3-4 बजे या 5 बजे यहाँ से निकल जाऊँ और फ्लाइट लेके, मेरे एक फ्रेंड है गिरीश भाई, गिरीश जो है हरिद्वार से ही है, मेरी सिटी से, जो कि बेल्जियम में रहते हैं, तो मैं कल शायद वहीं पे चला जाऊँ, वो अभी बिज़ी हैं, लेकिन हाँ 3 दिन मेरे साथ रहने वाले हैं और उसके बाद मेरे साथ एम्स्टरडैम जाएंगे और एम्स्टरडैम में ही फिर मुझे वो एयरपोर्ट पर ड्रॉप करके वापस चले जाएंगे।
तो चलो आज की वीडियो को यार यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं अगली वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। चैनल पैसे कमाने के लिए नहीं बनाया है, लेकिन वीडियोस बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, मेहनत कर रहा हूँ, मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे, मेरे लाइक्स बढ़ेंगे। ओह नाइस टैटू।